आइए अब हम जानते हैं ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है। अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार जमा लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से इराक को कुवैत पर से अपना सोवियत नियंत्रण हटाने का कई बार पुरजोर आग्रह किया गया, लेकिन इराक ने जब आग्रह को अनसुना कर दिया तब संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को इराक की चंगुल से छुड़ाने के लिए वहां पर सैनिक कार्रवाई करने की अनुमति दे दी। इसमें 660,000 सैनिकों के विशाल सैन्य बल ने कुवैत को इराक की चंगुल से मुक्त कराने का अभियान छेड़ दिया। इस सैन्य बल में 34 देशों के सैनिक थे, जिसमें से अधिकतर अमेरिकी सैनिक थे। इस युद्ध को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की संज्ञा दी जाती है। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने इस युद्ध को 100 जंगों की एक जंग कहकर अपने सेनाओं की विजय घोषणा की थी, लेकिन इतनी बड़ी सेना के आगे भी टिक नहीं सके। इस युद्ध में प्रयोग किए गए आधुनिक हथियारों ने संसार में सामने यह स्पष्ट कर दिया कि सैन्य क्षमता के लिहाज से अमेरिका विश्व के सभी देशों से बहुत आगे है। अपनी विकसित प्रौद्योगिकी से विश्व में इस युद्ध की घटनाओं को दूरदर्शन पर दिखाना संभव बना दिया, इसलिए इस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध और वीडियो गेम वॉर तक भी कहा जाता है। इस युद्ध को प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से भी संबोधित किया जाता है।